दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। हिंदू सभक महानवम नेपाली समाज में धूमधाम के संग मनाओल जाए वाला दशमी का दोसर दिन शक्तिपीठ समय नवदुर्गा के दोसर स्वरूप माता भगवती ब्रह्मसारिणी के पूजा आराधना का मनाओल जा रहा। उदयपुर के कटारी में शनि दिन रात भेल स्कॉर्पियो दुर्घटना में 5 गोटे के मृत्यु, घायल सबके इलाज भ रहा। इतिहास में पहल बेर बैंक सब द्वारा कर्जा के ब्याज दर स्थिर घोषणा, व्यक्तिगत आवधिक ब्याज दर 3.5% निर्धारण। आर्मेनिया अजरबैजान फिर एक बेर युद्ध विराम के लिए सहमत, शनि दिन मध्य रात से युद्ध विराम शुरू। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रभावशाली जीत, न्यूकासल यूनाइटेड शारीरिक सहारा। आप पूरा समाचार। हिंदू सभक महान एवं नेपाली समाज में धूमधाम के संग मनाओल जाए वाला महान पावन दशमी के दोसर दिन देवी मंदिर तथा शक्तिपीठ समय माता भगवती ब्रह्मसारिणी के पूजा आराधना कैल जा रहा है। ऐसा मुदा यह वर्ष कोरोना वायरस कारण के देवी मंदिर और शक्तिपीठ समय कैल जाए वाला दर्शन एवं पूजा आराधना से हो प्रभावित भ रहा है। ब्रह्मचारिणी देवी के ब्रह्म विद्या शक्ति के रूप में पूजा आराधना कैल जाय छन। ब्रह्मचारिणी देवी के आराधना सँ व्यक्ति के ब्रह्म अनुसार आचरण करक लेल शक्ति प्राप्त होइत अछि आ ब्रह्मचर्य जेहन परम पद में सेहो पहुँचल जा सकैत अछि कहि कऽ शास्त्र सब में उल्लेख अछि। ग्रंथ सब में कहल गेल अछि जे सांसारिक माया मोह के जंजाल सँ मुक्त करा कऽ व्यक्ति के ज्ञान में आकर्षित कर मानव चोला सार्थक बनेबाक हेतु साधक के ब्रह्मचारिणी देवी के अनुकंपा आवश्यक रहत अछि। ब्रह्मचारिणी देवी के भक्तिक प्रतीक मानल जायत छन्। ब्रह्मचारिणी माता पार्वतीक विवाह पूर्व के अवस्था के रूप में चर्चा कैल गेल अछि। माता पार्वतीक एहि रूप के ब्रह्मचारिणी, तपस्विनी तथा योगिनी सेहो कहल गेलनि देवी भागवत सहितक ग्रंथ सब में उल्लेख अछि। शास्त्र सब में हुनकर वदन वर्ण कलेजी रंग के छनि कहि कऽ वर्णन कैल गेल अछि। ब्रह्मचारिणी देवी एक हाथ में कमल धारण केने छथि त दोसर में कमंडलू लेने छथि। कमल के सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप के प्रतीक मानल गेल अछि त कमंडलू के वरदान आ आशीर्वाद के प्रतीक मानल गेल अछि। देवी ब्रह्मचारिणी के पूजा पाठ करक लेल भक्त सब आइ भिनसरे सँ देश के विविध शक्तिपीठ, भगवती स्थान आ देवी मंदिर सब में गेल अछि। घर घर में स्थापित दशमी कक्ष में समेत माता ब्रह्मचारिणी के पूजा अर्चना तथा हुनकर गुण वर्णन कैल गेल ग्रंथ सब के वाचन आ श्रवण के क्रम सेहो जारी अछि। उदयपुर के कटारी में शनि दिन रात स्कॉर्पियो जीप दुर्घटना भेला से 5 गोटे के घटनास्थल में मृत्यु भेल। भैरहवा से ओखलडुंगा दिस जा रहल 2271 नंबर के स्कॉर्पियो शनि दिन रात 12 बजे सिद्धिचरण लोकमार्ग में दुर्घटना में पड़ल छल। दुर्घटना में मृत्यु भेल समय 4 गोटे के पहचान नहीं खुजल अछि। प्रहरी जानकारी देने से जिला प्रहरी कार्यालय के DSP वेद प्रसाद गौतम के अनुसार ओखलडुंगा माने भरज्यांग 9 के 30 वर्षीय राम बहादुर सार्की, 26 वर्षीय कर्ण सार्की, 26 वर्षीय कुमारी माया सार्की, 40 वर्षीय खड़क बहादुर सार्की रहले छ। 1 गोटे के पहचान खुल के बाकी रहले छ। दुर्घटना में खलडुंगा के माने भरज्यांग 9 के 22 वर्षीय कल्पना सार्की आ चालक रूपनदेही त्रिगम्बा नगरपालिका सार्की 28 वर्षीय पनौ खड़का गंभीर घायल भेल बताओल जा रहल छ। हुनका सबके थप इलाजक लेल विराटनगर पठाओल गेल छ। प्रहरी रात ब्रेक फेल भ कऽ स्कॉर्पियो दुर्घटना भेल अनुमान केने छ। गाड़ी सड़क से करीब 1 किलोमीटर नीचा खसल छ। जिला प्रशासन कार्यालय ललितपुर आई से सब सरकारी कार्यालय सबसे प्रभाव वाला अत्यावश्यक पाए के सेवा सब दोसर व्यवस्था नहीं होब धरे स्थगित केने छ। जिला प्रशासन कार्यालय कोरोना संक्रमण जोखिम के ख्याल करे त दोसर सूचना नहीं आब धरे के लेल जिला भीतर के मालपोत नापी लगातक निकाय सब में देल जाए वाला अत्यावश्यक पाए के सेवा सब बंद कल गेल सूचना जारी केने छ। जिला संकट व्यवस्थापन केन्द्र, संबंधित सरोकार वाला निकाय, स्वास्थ्य विज्ञ समेत के विचार विमर्श के बाद अत्यावश्यक सेवा पाए के जिला प्रशासन कार्यालय से दिल जाए वाला नया नेपाली नागरिकता वितरण, नागरिकता प्रतिलिपि वितरण, हाथोथियार दर्ता, नवीकरण संस्था दर्ता, पत्र पत्रिका दर्ता सेवा के कार्य सेहो बंद कल गेल। सहायक प्रमुख जिलाधिकारी बस्नेत बतौने शांति सुरक्षा संबंधी तहिना क कानूनी शब्द में ठाठ निवेदन, उजुरी संबंधी सेवा, मुद्दा के सुनवाई संबंधी सेवा, विपद व्यवस्थापन संबंधी सेवा नियमित रूप में संचालन रहबाक भेल।
नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा संघीय संसद के अधिवेशन बजाय कोरोना संक्रमण रोकवाक संबंध में विचार विमर्श कर प्रभाव बतने सभापति देउवा सरकार कोरोना महामारी फैल रहा अवस्था में संक्रमित के इलाज करक लेल वेंटिलेटर आइसोलेशन आ दवाई के पर्याप्त व्यवस्था कर नहीं सकल आरोप लगने देशक परिस्थिति काबू बाहर जाय नहीं देवा लेल गंभीर विचार विमर्श आवश्यक रहला से संघीय संसद के विदेश विशेष अधिवेशन बजाय का गहन विचार विमर्श कर निष्कर्ष में पहुँच पड़वाक बतने नेपाली सबक महान पावन दशमी दियावाती छठा ईद संघरक लगायत सामाजिक सांस्कृतिक पावन के पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता के साथ मनाव लेल समय तो सबके आग्रह करने मैथिली समाचार में छोट विश्राम राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा अस्पताल भर्ना भेल जहाँ कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भाव थापा के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या लाबाद शनि दिन अस्पताल भर्ना कल गए माँ दुखबाक बुखार हेबाक श्वास प्रश्वास में किछ असहज महसूस कला बाद थापा के जावेल स्थित ओम अस्पताल में भर्ना कल गए अध्यक्ष थापा अस्पताल के आईसीयू में रहकर इलाज भ रहा जानकारी देने जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा पैघ परिमाण में अवैध सुन बरामद करने पर्साक प्रहरी उपरीक्षक गंगा पंत के नेतृत्व में बीतल गेल प्रहरी टोली बीरगंज स्थित गणेश अपार्टमेंट से अवैध सुन बरामद करने अपार्टमेंट के तेसर तला के 303 नंबर कोठा से पैघ परिमाण में अवैध सुन बरामद करने बरामद कल गेल सुन भारत बिहार पूर्वी चंपारण हरिया निवासी अशोक सिन्हा के रहल जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जानकारी देने सिन्हा के समय पहिने से वह अपार्टमेंट में भाड़ा लकर रही आयल छा सिन्हा भारत के बिहार में होबय लागल विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सुरेंद्र सिन्हा के भाई रहल छ पकड़ाओ पड़ल एक किलो सुन तो एक के जी की तौल भेल 13 बिस्कुट सोन के मझौला बिस्कुट 8 किलो 576 ग्राम 100 ग्राम के 10 बिस्कुट कक 22 केजी 576 ग्राम आ सुन के गरगहना 681 ग्राम कक कुल 23 किलो 257 ग्राम रहल तेना चांदी के गरगहना आ भाड़ा बर्तन कक 2 किलो 262 ग्राम रहल प्रहरी जानकारी देने सुन प्रकरण बारे थप अनुसंधान भरल पर्सा के प्रहरी उपरीक्षक गंगा पंत जानकारी दिल नेपाली सेना प्रेतनापति समन्वयात्मक वैशार्भ जनाइ सैनिक सन्सम्पर्क निर्देशनालय भद्रकाली विज्ञप्ति जारी करैत कार्तिक 2 गते से 4 गते धरि भिनसर 10 बजे 10:30 बजे प्रेतनापति के समन्वयात्मक वैशार हेबाक जानकारी देल गेल प्रेतनापति वैशार में 8 प्रेतना के प्रेतनापति सबके अपन जिम्मेवारी क्षेत्र से भरसोल सहभागिता जनाओत ओ सब अपन क्षेत्र के रिपोर्टिंग करे संगे कार्यक्षेत्र में देखल गेल चुनौती के बारे में सेहो जानकारी देता तेना सम्मेलन में देश के पिछला सुरक्षा अवस्था चुनौती के बारे में समेत विचार विमर्श हेबाक बताओल गेल जंगी आकाश सहभागी सब COVID-19 के स्वास्थ्य संबंधी मापदंड के पूर्ण रूप में पालन करवा कार्यक्रम रहल सेना जानकारी देने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार उल्लंघनकर्ता के सूची सार्वजनिक कला बादो कार्यान्वयन होब में शंका व्यक्त करने संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्ष में नहीं पहुँचल तो अंतर्राष्ट्रीय रूप में नेपाल के मानवाधिकारक अवस्था नाजुक हेबाक प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगक अध्यक्ष अनुपराज शर्मा अपन कार्यकाल समाप्त भ रहल समय 286 गोटे मानवाधिकार उल्लंघनकर्ताक नाम सार्वजनिक केलन नाम मात्र सार्वजनिक नहीं भेल कार्यान्वयन में सरकार की व्यवस्था के अवस्था सेहो सार्वजनिक भेल 2057 से 2076 धरि आयोग 1194 टा कार्यवाहीक सिफारिश केने मुदा 163 मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भेल त 445 टा आंशिक कार्यान्वयन कैल गेल आयोग के प्रतिवेदन में उल्लेख सरकार सूची सार्वजनिक केलाक बावजूदो कार्यवाही नहीं को आलटाल केलक त अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अधिकार के प्रयोग होबाक मानवाधिकार कर्मी कहब ब्लैकलिस्ट सार्वजनिक केलाक संगे पीड़क के कार्यवाही होयत आ पीड़ित के न्याय पेबाक आस जागत मानवाधिकार कर्मी कहब भिक्टिमहरुको लागि पनि एउटा थोरै भए पनि एउटा आशाको किरण छाएको छ किनभने पीडकहरुको नाम सार्वजनिक गर्नु को तात्पर्य आफै पनि पीडकहरुलाई एउटा जिम्मेवार बनाउने कुराहरु रहन्छ भने राज्यलाई पनि एउटा कानूनी रूपमा एउटा मानवाधिकारको भनौँ न संरक्षण सम्बन्धन गर्ने सन्दर्भमा पीडितहरूको न्याय प्राप्तिको सन्दर्भमा चाहिँ उसलाई पनि राज्य पक्षलाई पनि एउटा प्रेसरको काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ द्वन्दकालीन आयोगकै बादकै मानवता विरोधी कसुरकै न्यायिक प्रक्रिया मार्फत समाप्त करक लेल सरकार असफल भ रहल समय कोनो भी समय एहि प्रकारक मुद्दा रिभाइभ हो सकबाक सुरक्षाकर्मी कहब आयोगक ब्लैकलिस्ट सँ सबसँ बेसी समस्या सुरक्षाकर्मी के होयत आ हुनकर सभक वित्तीय विकास में एहि के असर परत प्रहरी अधिकारी कहब यो घटनालाई नेपाल भित्रकै हो हामीले मिलाउनु पर्छ भन्ने उसमा उनीहरू जानु पर्छ भन्ने उनीहरूको धारणा त
तर उनीहरूले यो बुझेका छैनन् कि त्यो अपराध भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको रूपमा दर्ज हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अरू देशले पनि आफ्नै अपराध भएको रूपमा यसलाई लिन्छन्। यो घटनालाई नेपालभित्रकै हो, हामीले नै मिलाउनु पर्छ भन्ने उसमा उनीहरू जानुपर्छ भन्ने उनीहरूको धारणा। तर उनीहरूले यो बुझेका छैनन् कि त्यो अपराध भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको रूपमा दर्ज हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अरू देशले पनि आफ्नै अपराध भएको रूपमा यसलाई लिन्छन्। सरकार द्वन्दकालीन मुद्दा मामिला अन्त गरक लेल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन केने छ। मुद्दा हिसाब पीड़ित के न्याय भेटबाक उद्देश्य सँ मुद्दाक समाधान नै कसेक रहला सँ युद्धकालीन अपराध के घटना कोनो भी समय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायरा में पहुँचबाक संभावना प्रबल छ। काठमांडू सँ कमला हमाल के रिपोर्ट। पिछला समय नेपाल में बलात्कार के घटना बढ़ रहा न्यूनीकरण के लिए बलात्कार विरुद्ध प्रदर्शन देशभर चल रहा है। इठहरी में सेहो 100 से बेसी युवा सब बलात्कार विरुद्ध प्रदर्शन कैने कानून के प्रभावकारी कार्यान्वयन होब नहीं सकला के कारण बलात्कार की घटना विरुद्ध प्रदर्शन कल गए युवा सबक कहब रहा है। मुख्य चौक में करीब 100 युवा युवती सब जमा भ बलात्कार विरुद्ध प्रदर्शन केने छल। इटहरीक पूर्व लाइन में जमा भेल युवा युवती सब करिया कपड़ा लगा कर माथ में काड़ी पट्टी सेहो बांध कर बलात्कार विरुद्ध प्रदर्शन केने छल। ओ सब बलात्कारी के कड़ा कार्यवाही के मांग करैत प्ले कार्ड लऽ कर प्रदर्शन केने छल। कोरोना के महामारी के जोखिम में सेहो महिला ऊपर बलात्कारक घटना सब भ रहलाक कारण सरोकार वाला सबक ध्यान आकर्षण करेबाक हेतु प्रदर्शन कऽ रहलौं। प्रदर्शन यदि कुनै पनि बलात्कारलाई बलात्कार गर्छ भने त्यसलाई सबैभन्दा ठुलो सजाय के हुन्छ त्यो दिनु पर्यो र देशमा कानुन एकदम बलियो हुनु पर्यो र हामीले यदि हाम्रो माग पुरा भएन भने हामी गाउँ गाउँ सहर सहर यहाँसम्म कि हामी राजधानी पनि आएर हामी सबैजना नेपाल अधिराज्यभरिको महिला दिदी बहिनीहरू भेला भएर हामी तपाईँहरूलाई घेर्नेछौँ खबरदार। बलात्कारी के कड़ा आ अलग प्रकार के सख्त से सख्त कार्यवाही होब परबाक मांग कैल गेल अछि। किछु समय से परिवार के सदस्य सब बहुतो बाल बालिका बलात्कृत होब परबाक अवस्था छल। संविधान संशोधन का बलात्कार विरुद्ध कड़ा से कड़ा कानूनी व्यवस्था करब परबाक मांग करैत नाराबाजी समेत केने छल। समय से कोरोना वायरस आ लॉकडाउन कारण से हो बलात्कार के घटना आर बढ़ रहल देखल गेल अछि। बाल बालिका से लऽ कऽ वृद्ध स्त्री समेत बलात्कार के शिकार भेल अछि। बलात्कारी के सख्त से सख्त कार्यवाही के लेल कानून नै बनलाक कारण से हो नेपाल में बलात्कारक घटना दैनिक रूप से बढ़ रहल प्रदर्शनकारी सभक दावी अछि। सुनसरी से दिनेश गजमेर के रिपोर्ट। आर्थिक समाचार। देश के इतिहास में पहली बेर बैंकर सब औपचारिक रूप में कर्जा के ब्याज दर स्थिर रखने से राष्ट्र बैंक के निर्देश अनुसार एक कार्तिक से लागू हो सका बैंक सब व्यक्तिगत अवधि के कर्जा में स्थिर ब्याज दर निर्धारण करने से देश के कई वाणिज्य बैंक स्थिर ब्याज दर में समेत आधार दर के आधार में 3.5% निर्धारण करने से बैंक सब घर कर्जा में 8.49% सवारी कर्जा में 8.49% स्वैच्छिक कर्जा में 8.49% ब्याज दर निर्धारण करने से राष्ट्र बैंक एक वर्ष से बेसी भुगतानी अवधि भेल व्यक्तिगत अवधि के कर्जा सबके ब्याज दर परिवर्तन नहीं होबाक स्थिर राख निर्देशन देने से व्यक्ति के नाम में प्रभाव वाला घर कर्जा गाड़ी कर्जा लगातक मासिक व कोनो भी आवधिक किस्ता में ये व्यवस्था लागू करा पड़त। राष्ट्र बैंक के निर्देशन आवश्य पहले जारी भेल कर्जा में समेत ग्राहक मांग कैल में स्थिर ब्याज दर निर्धारण कर पड़वाक निर्देशन राष्ट्र बैंक को देने छल। ग्राहक स्वयं इजाजत पत्र प्राप्त संस्था के आधार दर परिवर्तन भेला के कारण परिवर्तन होबला परिवर्तनीय ब्याज दर में कर्जा लेब चाहने सकबाक को सुविधा समेत देव
आर्मेनिया अजरबैजान बीच फेर एक बेर विवादित नागरखो खराबाग क्षेत्र के मानवीय युद्ध विरामक लेल सहमत भेल अछि। 21 दिन लंबा युद्ध के बाद आर्मेनिया अजरबैजान फेर से एक बेर विवादित नागरखो खराबाग क्षेत्र के मानवीय युद्ध विरामक लेल सहमत भेल अछि। दोनों देश युद्ध विराम स्थानीय समय अनुसार सीन दिन मध्य रात से शुरू होबाक जानकारी देल गेल अछि। ऐसे अगला हप्ताह आर्मेनिया अजरबैजान घोषणा कयने युद्ध विराम के भंग कयने छल। युद्ध विरामक बीच दोनों देशक सेना बीच गोली सेहो चलल छल। दोनों देश एक आपस में युद्ध विराम उल्लंघन कयने आरोप प्रत्यारोप करैत आयल छल। आब खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबल में मैनचेस्टर यूनाइटेड से प्रभावशाली जीत निकालने से शनि दिन रात यूनाइटेड न्यूकैसल यूनाइटेड पर 4-1 जीत दर्ता करने से यूनाइटेड के कप्तान हैरी माइगुरी के गोल करे 23 मिनट में खेल बराबरी में लौटने से खेल के अंतिम समय में मार्कुस राशफोर्ड चमकला बाद यूनाइटेड पैघ गोल अंतर से जीत निकाल सफल भेल। खेल समापन 4 मिनट बाकी रहल समय वारन फर्नांडो गोल करैत यूनाइटेड के 2-1 अग्रता दियाब सफल भेल। दू पेनाल्टी अनावश्यक रूप में छोड़ला बादो फर्नांडिज गोल कर राशफोर्ड के पास उपयोग करने छल। खेल के अंतिम मिनट में बिन विशाकल राशफोर्ड के पास में यूनाइटेड 3-1 से आगू बढ़ल छल। इंजरी समय में राशफोर्ड गोल करैत यूनाइटेड 4-1 के शानदार जीत दियाब सफल बनल। यूनाइटेड लीग के शुरुआती 4 खेल में 6 अंक जोड़कर 14 स्थान में रहे। न्यूकैसल 5 खेल से 7 अंक सहित तालिका के 11 स्थान में रहल। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार से फिर से फिर हिंदू सबक महान एवं नेपाली समाज में धूमधाम के संग मनाओल जावला दशमी का दोसर दिन शक्तिपीठ समय नवदुर्गा दोसर स्वरूप माता भगवती ब्रह्मचारिणी के पूजा आराधना का मनाओल जा रहा। उदयपुर के कटारी में शनि दिन रात भेल स्कॉर्पियो दुर्घटना में 5 गोटे के घटनास्थल में मृत्यु घायल सबक इलाज भ रहा। इतिहास में पहली बेर बैंक सब द्वारा कर्जा के ब्याज दर स्थिर घोषणा व्यक्तिगत आवधिक ब्याज दर 3.5% निर्धारण। आर्मेनिया अजरबैजान बीच फेर एक बेर युद्ध विरामक लेल सहमत शनि दिन मध्य रात से युद्ध विराम शुरू। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रभावशाली जीत न्यूकैसल यूनाइटेड 4-1 से हारा। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनता समाचार .com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथो भीड़भाड़ से घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।